हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक रोस्टिंग की वीडियो की रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो का नेम है रिप्लाई टू राखी सावंत और आसिफ बंटाया की ये वीडियो है। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन। सही बात है, वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, इसे किसी को भी मतलब सीरियस नहीं लेना चाहिए। यार आज हम आपके बीच ठीक ठाक है, हम तो हैं बेगैरतों की कमंडर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। राखी सावंत, राखी सावंत एक ऐसी औरत है जो साल के 12 महीने जलते तवे पे बैठी रहती है, जिसकी कारण इनका खून उबाल मारता रहता है। तो आइए यार आज हम आप मिल के इनके उबलते खून को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। आपके देश की बेटी हूँ मैं। हाँ हाँ, इनने देश की बहुत ही मासूम बेटी है, मासूमियत टपकती है इससे, ये देखिए। ओह माय गॉड, बहुत वीडियो वायरल हो रही है। माय कैसेट, पेट में मेरी पॉटी भी अटक गई है। आई फील तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मेरी पॉटी भी नहीं आने वाली है। व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई एम इन लव। प्यार में नींद का ना आना तो सुना था, लेकिन साला प्यार में प्रेशर का ना आना पहली दफा देख रहा हूँ। अरे ओ बवासीर की मरीज, तेरे हल्के होने के वांदे हो रहे तो किसी हकीम से संपर्क कर अगर अनाज खाती हो तो। और ये क्या माइक टायसन की माला जप रही है, वो बॉक्सर है हकीम नहीं जो तुझे पेट ठीक करने के नुस्खे दे देगा। पता है इन दिनों राखी सावंत अनूप जलोटा नामी बुजुर्ग अंकिल के पीछे नहा धो कर पड़ी हुई है। अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना। कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है उनको पहले से 3 बीवियां भाग गई, और ऐसा कौन सा कांड करते कि 3 बीवियां भाग गई। ऑक्साइड कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई। अरे महारानी कंटोबा बीबी, तुझे बड़ा पता है कौन कितना कांड करता नहीं करता, बोल तो ऐसे रहिए जैसे सबके घरों में जाके झांकती रहती है। मेरे को तो लग रहा है बहन की उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन दिमाग दिन पे दिन कम होता जा रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आपा की हरकतें खुद गवाह है इस बात की, क्योंकि ना तो ये कहीं की नगर सेवक है और ना ही किसी मंडली की अध्यक्ष। तो फिर इससे क्या करना है, अनूप अंकिल को 3 बीवियां छोड़ के भागे या 3 बॉयफ्रेंड्स। सही बात है जी, अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ कांड करूंगी, चिंता ना करना। हाँ कंडोबा बीबी, तुम इच कांड करना, क्योंकि इस वक्त तक की बॉलीवुड इंडस्ट्री में तुमसे बड़ी फोकट शायद ही कोई होंगी, और वैसे भी कांड करने में तो आपको महारत हासिल है ही, तो बिला झिझक कांड किए जाओ, किए जाओ। दोस्तों बिग बॉस 12 में ये अनूप जलोटा जी जो अपनी इतनी यंग और सेक्सी हॉट गर्लफ्रेंड को अंदर लेकर गए, अनूप जी अगर सचमुच आपकी ये गर्लफ्रेंड है तो ठाकुर तो गए हो, क्योंकि बिग बॉस के हाउस में ना सेक्स वेक्स नाम की कोई चीज मिलती नहीं है, तो जो लोग है ना वो भूखे भेड़िए हो जाते हैं। लोटा साहब, सॉरी लोटा साहब ने अनूप जलोटा साहब, अब आप अपना लोटा बचा कर रखिए। हाँ वही लोटा, लोटा बचा के रखिए, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड तो गई, क्योंकि अंदर जितने भी लड़के हैं उनको उड़ा लेके जाएंगे। फिर जब आप बाहर आओगे तो आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ आपका लोटा रहेगा। लोटा गर्लफ्रेंड ये अनूप जलोटा की है, और तकलीफ इसकी अंतड़ियों में हो रही है। साला जसलीन की इतनी फिक्र अनूप अंकिल को भी नहीं हो रही होगी जितनी इसको हो रही है। बहन काय को फोकट में हमदर्द बन रही, समझ से परे। एंड अनूप जलोटा जी, मुझे रियली वांट टू सी क्या आप कांड कर सकते हो अभी। आई रियली डोंट नो क्या आप कांड कर सकते हो, रियली कांड करो। यार बिग बॉस से दरख्वास्त है मेरी, इस घेतली को बिग बॉस हाउस में अनूप चिचा के पास भेज दो, प्लीज भेज दो। इसको अनूप चिचा से बेहद प्यार है, इनने पागल हो जा रही, दीवानी हो जा रही अनूप अंकिल के लिए। इसके जीव को शांति नहीं मिलेगी अनूप चचा के बिना।
माइक टायसन, आई कांट स्लीप, आई एम सो क्रेजी अबाउट यू। अरे हमरा माइक टायसन वा आवत है। अरे तुम कहाँ हो माइक टायसन वा? तुहार बिना ना हम खावत है, ना हम सोवत है, और ना हम टट्टी करत है, और ना हम जीवत है। लेकिन चुतिया पे बराबर करत है। अरे ओ सखिया भी बला, घर में पड़े पड़े अनूप जलोटा और माइक टायसन के नाम पे पलंग तोड़ना बंद कर और किसी काम में लग। ये दिमागी मरीजों वाली हरकतें काय को कर रही यार, मजाक हटाओ। ये जिस तरह अनूप जलोटा को बोल रही है। अनूप जलोटा साहब, अब आप अपना लोटा बचा कर रखिए। हाँ वही लोटा, लोटा बचा के रखिए। और अनूप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे। विधवा या रंडवा? अगर इसी तरह कोई बंदा किसी बंदी के बारे में बोल रहा होता तो अभी हाहाकार मच जाता, सारे ही फेमिनिस्ट के नेटवर्क एक्टिवेट हो जाते। लेकिन अब कहाँ है फेमिनिज्म के तंबू गाड़ने वाले। यार जब खुद राखी के साथ किसी जर्नलिस्ट ने उंगली शब्द का उपयोग किया था तब राखी रावत, आई मीन राखी सावंत का रिएक्शन देखना जरा क्या था। तुम्हें पता है कितना डैमेज हुआ? और आप ऐसा होंगे मीडिया पर्सन होगा, उनकी तरफ से क्या उनको उंगली कर रही है? दिस इज नॉट फेयर। मैं उंगली नहीं कर रही, मैं करोड़ों का केस ठोक देती हूँ आपको। चलता आपने ऐसे से किया के लोटे असल ऐसे होते। खुद की हमेशा रखो लाल और औरों की कर दो बेहाल। तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार शेयर मारो और राखी रावण आई मीन राखी सावंत के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हो तो यार सम्राट भाई की वीडियो देखो, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। क्या बात है, कमाल हो गया, ऑसम। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन, अब हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बहुत ही कमाल की थी, बेहतरीन किस्म की पुल ऑन एंटरटेनमेंट थी और जो कि बहुत ज़्यादा मजा आया इसको देखते हुए। भरपूर इंजॉय कर रहा था कि एक चीज़ को मैंने बहुत ध्यान से और गौर से देखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो बनी है, जो कि आप कह लें बहुत ही मजा आया इसे देख कर। और एक तरह से आप कह लें इस तरह की जो वीडियोस होती हैं बहुत मज़ेदार किस्म की होती हैं, एज एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, ना कि कोई से सीरियस ले ना दिल पे ले, और बहुत अच्छे तरीके से जो क्लिप्स और वीडियोस के निकाल के ज्वाइन करके बनाई गई है, मज़ा आया गया। और राखी सावंत के बारे में तो क्या ही कहना है, बहुत ज़्यादा चुलबुली टाइप और नटखट सी हैं और बिंदास सी हैं, जो मुँह में आता है कह देती हैं और दिल की साफ़ हैं और दिल में नहीं रखती बात को। और जो आजकल इन्होंने ये नई चीज़ निकाली हुई है कि जैसे कि आप कह लें सस्ती शोहरत जैसे पाने का तरीक़ेकार, आजकल एक फार्मूला है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस फार्मूले पर अमल करते हैं, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह और काफ़ी सारे जो सोशल नेटवर्किंग पर लाइव जाना और इस तरह की हरकतें करना, जैसे कि इस वीडियो के अंदर दिखाई गई हैं। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं जो सस्ती शोहरत पाने के, जिनको काम नहीं मिल रहा होता और काफ़ी ज़्यादा कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता, तो वो इस तरह की करती हैं। खासकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऐसी रह चुकी हैं। और इसके अलावा आप कह लें जैसे कंदील बलोच का नाम सबसे टॉप पर जाता है, जो कि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इसी तरह की वीडियोस बनाने की वजह से, ऐसे क्लिप बनाने की वजह से ही बहुत फेमस हो जी। ना कि उन्होंने कोई मूवी करी थी, ना कि उन्होंने कोई इतना काम किया था, सिर्फ वो लाइव आती थी और जो कि इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाती थी और चर्चा में रहती थी और कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती थी और काफ़ी कुछ होता रहता था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंडिया के भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस तरह के करते हैं, और जैसे कि पाकिस्तान में नासिर खान जान और इंडिया के दीपक कलार और बेतहाशा लोग हैं इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो कि एक तरह से आप कह लें इंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पर भी होती है। लेकिन खैर वो उनका अलग बात यह है कि वो एक नॉर्मल लोग होते हैं और वो जो कि कर रहे होते हैं लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, ये तो एक तरह से इनको ये सोचना चाहिए कि सेलिब्रिटीज़ हैं। एक तरह से इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, आइटम सॉन्ग्स किए हैं और डांस में भी अपना नाम कमाया और इसके अलावा काफ़ी कुछ काम किया है, तो इनको इस बारे में सोचना चाहिए ज़ाहिर है, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा इज्जत और जो कि काम जो है करने पर आती है और मिलती है, वो इस तरह नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि सस्ती शोहरत जो होती है ये आज होती है कल नहीं होती। जो सोशल मीडिया के अंदर जो लोग फेमस होते हैं अचानक हो जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, क्योंकि ज़ाहिर ये फेम जैसे तेज़ी से आता है वैसे तेज़ी से चला भी जाता है। और मेरी मोस्ट फेवरेट में से एक हैं और मज़ेदार किस्म की हैं, शख्सियत की मालिक हैं और मज़ा आता है इनके वीडियो क्लिप वगैरह देख के। कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी क्रिएट करती रहती हैं, काफ़ी हो जाती है एक तरह से आप कह लें, क्योंकि ये बिंदास ही रहती हैं, जो आता है मुँह में कह देती हैं और जो कि खामोशी रहना इनकी फितरत में नहीं शामिल के बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, और मज़ा आता है एक तरह से, सबको इंटरटेनमेंट फराम करती हैं और ये। लेकिन हाँ ये गलत बात है कि किसी को पर्सनली ज़्यादा अटैक नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लिप दिखाए जो कि पर्सनल अटैक कर रही
क्योंकि वो फिर सही नहीं रहता, ओवर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इस तरह का नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है फिर जब कोई लेडीज़ या फीमेल के ऊपर कोई करता है तो फिर ये कहा जाता है कि देखो सारे मर्दों की दुनिया है और मर्द चढ़ जाते हैं औरत पर, और जो कि एक तरह से आप कह लें औरत बहुत मजलूम है, बहुत नेक है, बहुत पारसा है, फिर ये इस तरह की बहस में लोग पड़ जाते हैं, जो कि एक तरह से फिर लेडीज़ को और फीमेल को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी अपने लेवल में रहें और कुछ इस तरह की चीज़ें ना करें जो कि फिर जो कि लड़ाई झगड़ों का सबब बने। मज़ा आया इस वीडियो को देख के, मैंने एंजॉय किया, एक तरह से बेहतरीन किस्म की थी और बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, और जो कि बहुत ही एक तरह से आप वाजे हो रहा है कि बहुत मेहनत और लगन के साथ बहुत बेहतरीन किस्म की बनाई गई है, एक तरह से आला उमदा मज़ा ही आ गया इस वीडियो को देख के, तो कमाल ही हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दी आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।